हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। एज यू नो, मैं हूँ निहारिका। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि विंटर के लिए बेस्ट फेस पैक क्या होगा हर स्किन टाइप्स के लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये आपकी स्किन को पूरी तरीके से क्लीन, क्लियर और उसमें सॉफ्ट भी बनाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। सब्सक्राइब करें ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर के लिए फेस पैक बनाना बताऊंगी। विंटर के लिए फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो चाहिए हमें मुल्तानी मिट्टी। आप इसे खड़ा भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पाउडर का यूज कर रही हूँ। इसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर, में पतंजलि का रोज वाटर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक नींबू के चार टुकड़े करने, उसका एक टुकड़ा आपको लेना है। ये पतंजलि का येलो वाला जेल है, एरोविला इसमें इंक्लूड है, केसर और चंदन इंक्लूड है, जिससे आपके फेस में काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस फेस पैक से। तो मैं ये पतंजलि का येलो जेल यूज कर रही हूँ। सबसे पहले एक बाउल में हमें 1 टेबल स्पून के करीब मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। उसमें 1 टेबल स्पून हमें ऐड करना है रोज वाटर। उसके बाद जो हमने नींबू का टुकड़ा लिया था उसे हमें इसमें उसका जूस निकाल देना है। एक चीज का ध्यान रखें, आपको इसमें वाटर नहीं यूज करना है। मुल्तानी मिर्ची हम इसलिए यूज करते हैं विंटर में क्योंकि ये हमारी स्किन को क्लीन, क्लियर और सॉफ्ट बनाता है, तो हमारी स्किन फटने नहीं पाती है। दूसरी चीज ये है कि इसमें मैंने नींबू का यूज इसलिए किया है क्योंकि नींबू हमारे जो फेस है उसको व्हाइट बनाने में हेल्प करती है, फेस को फेयर बनाती है। और पतंजलि का एरोविला जेल जो है इसमें केसर और चंदन इंक्लूड है, इसके साथ में एरोविला जेल है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। तो दूसरी चीज ये है, मैं इसे अपने हैंड में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप इसे अपने फेस में, अपने हैंड में, अपने लेग्स में लगा सकते हैं, जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे हमारी स्किन फट रही है तो वहां आपकी स्किन तो फटने बंद हो ही जाएगी। आपकी स्किन को एक अच्छा फेस पैक के रूप में आपको ये मिलेगा क्योंकि इसे लगाने के बाद आपको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेगा, आपकी स्किन पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये विंटर के लिए तो बेस्ट फेस पैक है, तो जरूर ट्राई करें आप इसे। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप इसे लगाए तो ध्यान रखें इस चीज का, जब ये सूखने लगे तो आप मुंह से बिल्कुल भी मत बोले क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फेस में झुर्रियां वगैरह भी पड़ सकती हैं क्योंकि हमारी स्किन टाइट होने लगती है। जैसे जैसे सूखने लगता है हमारी स्किन टाइट होने लगती है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें आप। और एक चीज का ध्यान रखें, आप इसे आईज के नीचे भी लगाएं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है। अगर ये आईब्रोज में भी लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आईब्रो में भी लगते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज ये, आप इसे अपने हेयर में भी लगा सकते हैं। अगर आपकी हेयर काफी ड्राई है तो बस रोज वाटर का यूज मत करिए, बाकी सारी चीजों का यूज करिए लेकिन रोज वाटर यूज।